अस्सलामु अलैकुम भाई, आपका नंबर लिया था यूट्यूब से। आपसे कुछ सवाल करने थे कॉकटेल के बारे में। भाईजान, ये दो पैर हैं मेरे पास, ये एग्स देते हैं मगर उनमें बच्चे नहीं आते। पता नहीं क्यों एग्स बाहर फेंक देती है। ये बता देना, ये कौन सा नर है और कौन सी मादी है इनमें से? ये फेंकती क्यों है ये भी बता देना, मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? आप अपना नाम बताएं और किस इलाके से आप बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम बिलाल है और मैं ज़िला कसूर सील पत्तोगी से बात कर रहा हूँ। निक्का अंडा सट्टिया तू, ओ दो परां पे ने दो थल्ले होंगे, अंते हुए पांच पे हो पांच ने और बुड्ढा ने एक ही डाक दी थी। वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद होगी कि आप ठीक होंगे और आपके परिंदे भी हैप्पी हैप्पी होंगे। जिस तरह आपने मुझे वीडियो और पिक्चर भेजी है कि आपका यही मसला है कि ये अंडे तो देते हैं पर इनमें से बच्चे भी नहीं निकालते, ऊपर से जो अंडे दे रहे हैं वो बाहर फेंक देते हैं। और आपका सेकेंड क्वेश्चन यही है कि इन दोनों में से कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो मैं आपको पिक्चर बनाकर पहले सेंड करता हूँ। पिक्चर क्या, आपकी जो भेजी हुई पिक्चर है वो आपको दोबारा सेंड करता हूँ, जिससे मैं आपको बता सकूँ कि ये वाला मेल है और ये फीमेल है और इसका रीज़न क्या है कि ये अंडे फेंक देते हैं या अंडों में से बच्चे नहीं निकालते। ये वाली जो है ये ग्रे कलर की, ये 100% फीमेल है क्योंकि इसके सर का साइज़ भी छोटा है और जो इसके गालों में जो लाली नज़र आ रही है, ठीक है, वो फीके कलर की है। अगर ये तेज़ कलर की होती तो ये मेल होता, ठीक है, पर यहाँ पर इसका साइज़ भी छोटा है सर का और ठीक है और लाली भी कम है तो ये फीमेल है। अब दूसरा जो है कॉकटेल, ठीक है, उसकी भी मैं पिक्चर भेजता हूँ और आपको डिटेल से बताता हूँ कि ये क्या है। ये जो पर्ल कलर में है, ठीक है, ये भी फीमेल ही नज़र आ रही है क्योंकि इसके सर का साइज़ भी छोटा है, ठीक है, इसके जो गालों में लाली है मल्टाई कलर की वो भी फीके कलर की है, ठीक है, तो ये भी फीमेल है। यहीं पे आपका जो पहला नंबर सवाल था कि जो अंडे दे रहे हैं, ठीक है, उसमें से बच्चे नहीं निकाल रहे और अंडे फेंक देते हैं, तो इसका यही रीज़न है कि दोनों फीमेल है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसमें से एक रहने दे जो अंडे दे रही है, ठीक है, और दूसरा हटाकर अच्छा सा मेल लेकर आए। और मेल की क्या निशानी होगी, वो सीटियां मारेगा, ठीक है, मस्त मेल जो होता है, ठीक है, वो सीटियां मारता है और एज से भी पता लग जाता है क्योंकि उसको देखते साथ ही आपको पता लग जाएगा कि उसके सर का साइज़ भी बड़ा होगा, उसके गाल की लाली भी तेज़ होगी और वो थोड़ा मस्त होगा। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि यार ये मेल है, ठीक है, उसको दुकानदार को कह दे कि ये मेल मुझे दे दे, ठीक है, तो फिर वो मेल लेकर इसके साथ छोड़े, इंशाल्लाह आपके पास ब्रीडिंग आएगी, ठीक है, और अंडों में से बच्चे भी निकलेंगे और आपसे ये टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी कि ये अंडे बाहर फेंक देते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा इसी फीमेल के हवाले से, ये पर्ल कलर की जो फीमेल है इसके बारे में मैं कुछ बातें पूछूंगा, उसके जवाब मुझे आप दे देना। अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे, ठीक है, तो मैं आपको पिक्चर भी भेज देता हूँ, उसी पिक्चर को देखकर आपने ये चेक करना है कि ये मेल है या फीमेल है। आप देख सकते हैं ये मैंने पर भिजवाए हैं, ठीक है, आपने इसी तरह इसके पर फैलाकर देखने हैं नीचे की तरफ से। अगर इसके पर में धब्बे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ऊपर है यंग है, पहले नंबर पे जो पिक्चर है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है यंग लिखा हुआ है, उसमें ज़्यादा धब्बे हैं पर उसमें साइज़ पड़ों का लिखा हुआ है कि इतनी कलियां होगी, ठीक है, बड़ी कलियां, ठीक है, ऊपर के धब्बे ज़्यादा है तो समझ जाए कि ये फीमेल है। और अगर धब्बे कम है, ठीक है, फुल साइज़ की है पर अगर धब्बे कम है, ठीक है, और
ये 100% फीमेल है, ठीक है। अगर इनमें धब्बे नहीं है इसमें, ठीक है, धब्बे नहीं है, बिल्कुल साफ पार है इसके, तो समझ जाए कि ये मेल है, ठीक है। आपको यहाँ से भी पहचान हो सकती है बासानी, ठीक है। आप चेक करके फिर आप मुझे रिप्लाई देना, अगर आपके पास यही मेल निकल आए, ठीक है तो ये फीमेल, अगर फिर भी ये मेल निकल आए तो आपने इसको चेंज कर देना है, ठीक है, तब्दील करके सही मेल लेकर आए। बिलाल भाई, मेरे ख़्याल से आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, ठीक है। आप कोशिश करें कि अच्छा मेल लेकर आए, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास अगर किसी मेल की वीडियो हो, ठीक है, जो मस्त हो, जिससे शो में, क्योंकि मैं एक दफ़ा गया था तो वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी कि एक मेल था, वो बहुत सीटियाँ बजा रहा था और थोड़ा मस्त था, ठीक है। तो मुझे पता लग गया था कि यार ये बिल्कुल परफेक्ट ब्रीडर मेल है। अगर वो वीडियो मेरे पास हुई तो ठीक है, वो मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है। आप चेक करके और वैसा मेल लिया, और अगर आपने इसी फीमेल के साथ, ग्रे वाली जो फीमेल है इसके साथ अगर मेल रखना चाहते हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि क्रीम कलर का अगर आपको मेल मिलता है तो वो तो क्या बात है, क्योंकि इसके जब बच्चे निकलेंगे वो पर कलर के निकलेंगे, ठीक है। अगर आपने क्रीमो कलर का मेल रखा इसके साथ, ठीक है, पर कलर के बच्चे भी निकलेंगे, क्रीमो भी बच्चे निकलेंगे और ग्रे के भी बच्चे निकलेंगे, पर वो अच्छी मोटिशन के बच्चे होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो आप बेचना भी चाहें तो अच्छी कीमत में वो बिकेंगे। तो मैं पहले वीडियो चेक करता हूँ कि मेरे पास है कि नहीं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। सॉरी दोस्त, मेरे पास वो वीडियो तो नहीं है रही, ठीक है, क्योंकि शायद हो सकता है डिलीट हो गई वो वीडियो। तो आपने इसी तरह करना है कि क्रीम कलर का अगर आपको मेल मिलता है, ठीक है, उसकी जो गाल की लाली होगी वो डार्क कलर की होगी, उसके पैरों के नीचे धब्बे नहीं होंगे, क्रीम कलर के धब्बे होते हैं वो नहीं होंगे, तो वो 100% मेल होगा। और उसके सर का जो साइज़ होगा वो भी बड़े साइज़ का होगा, ठीक है। तो वैसा आप मेल लेकर आए, और इंशाल्लाह इसके साथ फ़ीमेल के साथ छोड़े, पर फीमेल के साथ उस टाइम छोड़ना है आपने कि इसी फ़ीमेल के जो बॉक्स आपने लगा कर रखा हुआ है वो बॉक्स हटा दे, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने ये फ़ीमेल भी अगर आप हटा सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हटा सकते तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, उसके साथ मेल छोड़ दे। इंशाल्लाह आपका ये जोड़ा एक हफ्ते के अंदर अंदर लग जाएगा, और क्रॉसिंग करने के बाद 15 दिन के बाद बच्चे अंडे आ जाएंगे और फिर बच्चे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, इशू नहीं है, सिर्फ आपने ये जो पर कलर का जो फीमेल है, ठीक है, ये चेंज करके आपको मेल ले आए। एंड थैंक यू सो मच, आपने इतनी दूर से बिलाल भाई आपने मुझे मैसेज भेजा, मुझे नहीं पता था कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरी मैं कितने दूर दूर से मुझसे रब्ता करते हैं। थैंक यू सो मच बिलाल भाई, थैंक यू सो मच। एक ज़रूरी बात यह है कि अगर आपके जहन में यही क्वेश्चन चल रहा है कि फ़ीमेल ने मेल नहीं है और फीमेल ने अंडे दे दिए, ये कैसे हो सकता है, जी हाँ ये हो सकता है। अगर मेल ना भी हो, फीमेल हीट पे आ जाती है, ठीक है, तो वो अंडे दे देती है, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो में चेक कर ले, ठीक है, इसके अंडों के साइज़ देख लिए, इस अंडे छोटे साइज़ के भी है, ठीक है, कोने निकले हुए अंडों के, तो इससे साफ वाजिया पता लगता है कि ये फीमेल ने बग़ैर नर के अंडे दिए हैं, ठीक है, और अंडों की क्वांटिटी भी ज़्यादा देते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो अंडे होते हैं वो आपको पता है कि 4-5 अंडे देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 अंडे हो जाएंगे, ठीक है, पर मेल उसके पास हुआ तो अच्छा, ठीक है, डाइट अगर अच्छी हो रही है तो फिर जाकर अंडे भी अच्छे देंगे, पर आपके पास मेल है ही नहीं तो ये मतलब हीट पे आकर फीमेल ने अंडे दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब भी मैं इसी तरीके से दूं, तो आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, सिर्फ छोड़ना है, आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे है, ठीक है, और करवा दिया है, ठीक है, इसी नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें वॉइस करके, ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप किस इलाके से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका और आपके बर्थ का इसला है, ठीक है, उसकी वीडियो और पिक्चर मुझे भेजे, मैं देख कर फिर कोशिश करूँगा कि आपको जवाब जल्द से जल्द दे दूँ, और उसी की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब फैमिली के सामने भी पेश करूं, क्योंकि अगर उनके साथ भी कोई मसला आ जाए बर्ड्स का तो ऑलरेडी वीडियो बनी हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों का प्यार जो मैं बयान नहीं कर सकता, तो शुक्रिया दोस्तों, आप लोगों का प्यार देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और कोशिश करूंगा कि आप लोग के जवाब ज़रूर दे दिया करो। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।